Hi everybody, this is your educator Shubham Pathak and welcome back to our channel An Academy 9th and 10th. और आज क्या करने वाले हैं, हम आज करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट। तो ये वही चैप्टर है जो इस बार बोर्ड एग्जाम्स में 10 नंबर से भी ऊपर का आ रहा है बच्चों, आई थिंक 10-12 का आ रहा है, मैप्स में भी आ रहा है, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म तो मैप में भी नहीं आ रहा है। और इस चैप्टर की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो आगाज सीरीज के अंदर An Academy 9th 10th पे मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा रखा है अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन मैंने सोचा एक कंसोलिडेट करके एक आपको सेशन दे देते हैं जिसमें आपको पूरा चैप्टर एक ही साथ समझ आ जाए, राइट? एंड दिस वुड बिहेव लाइक अ क्विक रिविजन फॉर यू एज वेल। चलो स्टार्ट करते हैं यार। एंड डोंट फॉरगेट टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ अवर टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव येट नॉट जॉइंड इट, livedaily.me/chat पे जाके यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट An Academy 9th and 10th एंड इट विल ऑटोमेटिकली मेक यू अ मेंबर ऑफ द पैनल। और An Academy की ऐप के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, दिस इज द ऐप वेयर यू गेट एवरीथिंग, यू गेट ऑल द ग्रेट फ्री थिंग्स, यू गेट ऑल द ग्रेट सब्सक्रिप्शन, फ्री चीजें मिलती हैं यार यहाँ पे। और अनलाइक यू नो Like anywhere else, we don't teach you like half of the portion, हम कुछ आपको आधा नहीं पढ़ाते और आधा बात के लिए नहीं छोड़ देते कि सब्सक्रिप्शन लोगे तो आधा मिलेगा। We teach you completely, whatever we can, we teach you on the special classes. A lot of that you can access through the app. आपको बस ऐप डाउनलोड करके अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, बच्चा क्लास 9th या क्लास 10th, whichever class you want to select. If you want to study for JEE or UPSC or you know NEET, आप वो सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो और फिर आपको स्पेशल क्लासेस जाके देखनी है। और दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए, यू कैन वॉच दी स्पेशल क्लासेस एनी टाइम यू वॉन्ट। एंड इफ एट ऑल आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और हमें जीतना ही है, 100 में से 100 लाना ही है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, टारगेटिंग योर क्लास 10th एग्जाम और टारगेटिंग योर क्लास 10th एज वेल एज क्लास 11th एग्जाम, तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और ये सब्सक्रिप्शन आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिलता है इफ यू आर गोना पुट द कोड दैट आई एम गोना गिव। दिस कोड इज माइन, मेरे फोन पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाती है आप जैसे ही ये कोड लगाते हो और आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। कोड इज बच्चा मेरे नाम से बना हुआ, SHUBHLIVE, शुभ लाइव, ठीक है? तो चलो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़ी और चीजें हैं, एकेडमिक मेंटोर, क्रिएटिव कॉर्नर, प्राइस ज्यादा है लेकिन फीचर्स भी ज्यादा है, तो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, आप उनसे डिस्कस करो, दे विल बी एबल टू टेल यू द बेस्ट पॉसिबल यू नो आउटकम ऑफ इट। और यू कैन डेफिनेटली गो टू An Academy's वेबसाइट एंड चेक आउट ऑल द फीचर्स ऑफ द प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड देन मेक अ चॉइस। चलो अभी आगे चलते हैं। अच्छा कुछ रह गया क्या? हमारी An Academy की ऐप में सारा फ्री कंटेंट के साथ साथ, ये मैं बताना भूल गई, फ्री कंटेंट के लिए भी आपको सेम ही कोड लगाना होता है, शुभ लाइफ। पैसे नहीं लेते हैं हम उसमें, बट शुभ लाइफ कोड लगा के आप अनलॉक कर लेते हो अपनी स्पेशल क्लास। एनीवे, सो अर्चिता एंड ममता एंड आयुष, कंग्रेचुलेशंस भाई, आप तो मतलब सितारों में चमक रहे हो, आपने दिया था लास्ट क्लास में राइट आंसर। हम जाएंगे अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। तो नेशनलिज्म इन इंडिया वो चैप्टर है जो शुरू होता है इस बात से, मतलब है क्या ना नेशनलिज्म इन इंडिया, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बताएगा कि इंडिया में ये जो देशभक्ति की भावना आई, जो अब आपके दिल में, मेरे दिल में, हम सभी के दिलों में है, ये भावना कहीं ना कहीं से पैदा हुई और कहीं ना कहीं ये ग्रो करनी शुरू हो गई और पूरे देश में आग की तरह फैल गई, तभी हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो ये उसकी स्टोरी है नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे देशभक्ति की एक भावना ने देश का फ्यूचर चेंज कर दिया। अभी ये कहाँ से पनपी, मतलब कहाँ से इसका बर्थ हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। इसका बर्थ हुआ कॉमन हेट्रेड से, सारे इंडियंस के दिलों दिमाग में उनको चमका कि यार ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो हमारे कॉलोनियल रूलर्स हैं, ये हम सबके कॉमन एनिमी है। तो जब कॉमन एनिमी होता है ना, तो क्लास में भी कॉमन एनिमी होता है तो आप लोग दोस्त बन जाते हो। तो अभी तो हम देश की बात कर रहे हैं, विद द कॉमन एनिमी वी रियलाइज दैट वी नीड टू बी यूनाइटेड एंड वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो ये तो हो गया बेसिक ऊपर ऊपर का कॉन्टेक्स्ट। अभी बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किया क्या। अभी इस पे एक क्वेश्चन आता है बच्चा, दैट व्हाट वाज द न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सिंपल क्वेश्चन आता है, जो बीच में गोला लगा हुआ है ना, इसी पे क्वेश्चन आता है और आपको जो चार आसपास सर्कल्स बने हुए हैं इनके सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो भाई ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले लिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने सोचा कि इंडिया से पैसा बटोरे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फंड करे। तो इंडिया से कैसे पैसा बटोरे, इंडिया में जो इंडियंस थे उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए, कस्टम टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, इंडियन से टैक्स लेके अपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को वो फंड कर रहे। इनफैक्ट उन्होंने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया बच्चा अपनी ब्रिटिश आर्मी में, इंडिया के लोगों को फोर्सली यू नो फोर्सफुली रिक्रूट करते थे और उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए छोड़ देते थे।
एट द सेम टाइम अब हम इतने अनफॉर्चुनेट थे कि हमारी क्रॉप्स भी फेल हो गई थी, हमारे पास खाने की भी शॉर्टेज थी. एट द सेम टाइम हमारे यहाँ फमीन भी आ गया था, भुखमरी भी आ गई थी, एपिडेमिक भी आ गया था. एपिडेमिक कौन सा? इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक, जिसमें 120 130 लाख लोग तो मर भी गए थे. तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में एक साथ साइमल्टेनियसली चले जा रही थी. अभी ऐसी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में आपको क्या चाहिए होता है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स में आपको चाहिए होता है कि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे. हमारे भारत के लोगों को भी वही चाहिए था. उनको चाहिए था एक मसीहा, एक गांधी जी, और गांधी जी आने वाले थे पिक्चर में. तो गांधी जी की बात करते हैं. तो बात आती है कि गांधी जी थे कहाँ अब तक. गांधी जी थे बच्चा साउथ अफ्रीका में. 1915 से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपार्थिड की लड़ाई लड़ रहे थे. और जैसे ही उन्होंने चमका कि यार मेरे देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तुरंत के तुरंत फ्लाइट लेके आ गए इंडिया वापस. जनवरी 1915 गांधी जी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. और मजिशियन कभी खाली हाथ तो आता नहीं है, हमेशा जादू की छड़ी लेके आता है. तो गांधी जी क्या लेके आए? गिफ्ट ऑफ सत्याग्रह. और सत्याग्रह एक वो टूल बन गया जिसे गांधी जी ने बैक टू बैक सत्याग्रह, तीन सक्सेसफुल सत्याग्रह करके पूरे देश को, मतलब पूरा देश दंग रह गया था. गांधी जी कह रहे थे सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह में गांधी जी कह रहे थे कि आपको वायलेंस यूज करने की जरूरत ही नहीं है. आप चुपचाप शांति से जब अपनी चीजें हासिल कर सकते हो तो व्हाई वुड यू यूज वायलेंस. आप चुपचाप बैठो, अगर आप सच्चे हो तो आपका सच आपके एनिमी तक को नजर आएगा. धर्म ऑफ नॉन वायलेंस पे चलो ना यार, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी बोलते थे. सत्य के लिए आग्रह करो, मतलब ट्रुथ के लिए इंसिस्टेंस करो, होल्ड ऑन टू द ट्रुथ. यही तो गांधी जी बस बोल रहे थे. और इसी सत्याग्रह को यूज करके गांधी जी ने चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में किया सत्याग्रह. केक के नाम से मैं पढ़ाती हूँ आपको. तो सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा. चंपारण का सत्याग्रह बताती हूँ. तो यहाँ पे 1916 लिखा है बच्चा, लेकिन अगर पेपर में आए ये क्वेश्चन तो आपको 1917 लिखना है. क्यों? क्योंकि चंपारण का सत्याग्रह स्टार्ट तो 1916 में हो गया था, लेकिन गांधी जी वहां पे पहुंचे थे 1917 में. तो सक्सेसफुल वो 1917 में हुआ था. चंपारण में प्रॉब्लम थी कि फार्मर से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, और नील की खेती करने से पूरी मिट्टी खराब हो जाती है. इससे कोई मतलब नहीं था ब्रिटिशर्स को, वो जबरदस्ती उनसे ओप्रेसिव तरीके से नील की खेती कर रहे थे और टैक्स बटोर रहे थे. गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने इंडिगो फार्मर्स की गुहार सुनी और सत्याग्रह किया और वायोला सब कुछ ठीक हो गया. फिर चंपारण से गांधी जी गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ती है बच्चा. यहाँ पे भी फार्मर्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी. पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या थी कि प्लेग की वजह से, प्लेग एक यू नो एपिडेमिक होता है जो इन्फेक्टेड रोडेंट्स की वजह से होता है, तो प्लेग की वजह से क्रॉप फेल हो गई थी. अभी जब क्रॉप ही फेल हो गई है तो बेचारे पेशेंट्स और फार्मर्स क्रॉप बेच के ही तो टैक्स देंगे ना, लेकिन क्रॉप तो फेल हो गई थी. इसीलिए पेशेंट्स कह रहे थे गांधी जी को कि गांधी जी हमारा टैक्स, हमारा रेवेन्यू थोड़ा माफ करवा दो, थोड़ा रिलैक्सेशन दिलवा दो. गांधी जी ने बात सुनी, गांधी जी ने गुहार सुनी, सत्याग्रह किया, सब ठीक हो गया. अब बारी थी अहमदाबाद की. तो अहमदाबाद बच्चा वो सत्याग्रह था जो पेजेंट्स के लिए नहीं हुआ था, वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ था. अहमदाबाद आप सबको पता है कॉटन के लिए कितना फेमस है. तो अहमदाबाद में गांधी जी क्या कर रहे थे, कॉटन मिल वर्कर्स से जाके मिले. कॉटन मिल वर्कर्स ऑलरेडी प्रोटेस्ट पे थे, सत्याग्रह पे थे एक तरीके का. उन्होंने गांधी जी का जैसे ही सपोर्ट मिल गया, जैसे ही जोश मिल गया, बात तो बहुत निराली हो गई वहां से. तो अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स कह रहे थे कि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं एसेंशियल कमोडिटीज के कि हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दो, लेकिन कॉटन मिल वर्कर्स बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे. गांधी जी पहुंचे, सत्याग्रह सक्सेसफुल. तो बैक टू बैक केक बना के गांधी जी हो गए थे पूरे इंडिया में फेमस. इंडियंस तो गांधी जी को एकदम मसीहा समझने लगे थे, और ब्रिटिशर्स डर के मारे कांपने लग गए थे. अभी डर के मारे में ब्रिटिशर्स ने की एक और गलती, गलती का नाम था रॉलेट एक्ट. तो आप पे क्वेश्चन आया ना अगर कि गांधी जी ने नेशन वाइड हड़ताल क्यों चालू की, तो आपको रॉलेट एक्ट की बुराइयों के बारे में लिखना है. रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था. ये एक ब्रिटिश काउंसिल थी. इस काउंसिल में इंडियन मेंबर्स थी और इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया था इस एक्ट को, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं था. आईएलसी ने फिर भी इस एक्ट को पास कर दिया था और इंडिया पे लागू करवाने की ठान ली थी. अभी इस एक्ट में इतना बुरा क्या था, इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स जो ऑलरेडी हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे, उन्हें और ज्यादा पावर दे दी. इस एक्ट ने बोला था कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी यू नो प्रोटेस्टर दिखता है, पॉलिटिकल प्रोटेस्टर, तो आप उसे जेल में डाल सकते हो, और विदाउट गिविंग देम अ ट्रायल, प्रॉपर ट्रायल फॉर 2 years, आप उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हो. तो ये तो गलत है ना यार, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर दे रहे हो आप इनके हाथ में. फिर तो गांधी जी का सत्याग्रह फेल हो जाता, किसी को भी पकड़ के आप जेल में डाल देते, फांसी लगा देते, राइट? गांधी जी ने बोला ऐसा तो नहीं चलेगा. गांधी जी ने बोला कि देश को मैं गुहार लगाता हूँ, आई एम कॉलिंग फॉर अ नेशन वाइड हड़ताल. ब्रिटिशर्स को यही टाइम है दिखाने का कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी, और गांधी जी की चाल कामयाब हुई. 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रखी गई हड़ताल बहुत सक्सेसफुल हुई. सब लोगों ने रैलीज निकाली, स्ट्राइक की, दुकानें बंद कर दी, रेलवे बंद कर दिया, काम पे गए नहीं, लेकिन स्ट्राइक बिल्कुल जारी रखी.
और इससे ब्रिटिशर्स बच्चा और डर गए। मतलब गांधी जी तो चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स डर के एकदम भाग जाएं देश से, लेकिन ब्रिटिशर्स और गुस्से में आते जा रहे थे। 10th अप्रैल को मतलब अप्रैल में 1919 में आफ्टर दिस नेशन वाइड हड़ताल, ब्रिटिशर्स इतना गुस्से में आ गए कि वैसा ही एक ब्रिटिशर्स था जनरल डायर, जिसने ठान लिया कि अब तो गांधी जी के अगेंस्ट जाके ही रहेगा। जनरल डायर ने सबसे पहले बैन कर दिया कि गांधी जी दिल्ली में एंट्री ना ले पाए। क्यों? क्योंकि जब लीडर आ जाता है तो लोगों में उत्साह और बढ़ जाता है, जब लीडर ही नहीं होगा तो उत्साह कहां से होगा। तो गांधी जी को पहले दिल्ली से दूर रखा, नॉर्थ इंडिया से दूर रखा। फिर जनरल डायर ने क्या किया, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया। बच्चा मार्शल लॉ क्या होता है कि सारी की सारी अब पावर्स जो हैं, पॉलिटिकल पावर्स या लीगल पावर्स जो हैं, हाथ में आ गई हैं आर्मी के। तो अब आर्मी का रूल चल रहा है, पुलिस का रूल नहीं चल रहा। अब ये मार्शल लॉ की खबर किसी को थी ही नहीं, कोई व्हाट्सएप का जमाना तो था नहीं, उसने चुपके से मार्शल लॉ लगा दिया, इंडियंस को पता ही नहीं था। मार्शल लॉ में ऐसा भी होता है कि कर्फ्यू लगा होता है, आप ग्रुप बना के कहीं भी खड़े नहीं हो सकते हो बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन किसी को पता ही नहीं था, तो सब लोग अपना बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। 13 अप्रैल का दिन था, सब लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी मना रहे थे। कुछ प्रोटेस्टर्स भी थे जो थोड़ी बातचीत करने आए थे। यही तो चाहता था जनरल डायर। मार्शल लॉ को यूज करके जनरल डायर अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेके जलियांवाला बाग में एंटर कर गया और उसने पीसफुल सत्याग्रह पे फायरिंग शुरू कर दी। उसे कोई मतलब नहीं था, वो तो चाहता ही था इंडियंस में के दिलो दिमाग में मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना, है ना। चल आगे चले, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बीच बीच में जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ इसका मुझे आंसर जरूर बता देना। फाइनल रिविजन है, वन शॉट रिविजन। आंसर बता दोगे तो आई विल बी वेरी अश्योर्ड कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल का दिन कम से कम 300-400 इंडियंस मारे गए और इसके बाद इंडिया में जैसे आग लग गई हो। सब इंडियंस इतना गुस्से थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई प्रोटेस्ट ऑब्वियसली वायलेंट भी हो रहे थे क्योंकि लोगों के दिलों में और दिमाग में काफी गुस्सा था। और पुलिस को मौका मिल गया था लोगों को ब्रूटल रिप्रेशन करने का। पुलिस तो चाहती ही थी कि लोग वायलेंस करें और पुलिस बोले कि वायलेंस के नाम पे हम तुम्हें पिटाई लगाएंगे। तो पूरे देश में बेसिकली हाहाकार मच गया था। इंडियंस को गंदी गंदी तरीके से नीचा दिखाया जा रहा था। पुलिस उनको बोलती थी कि जरा क्रॉल करके दिखाओ, जरा घुटनों के बल चल के दिखाओ, जरा सलाम करके दिखाओ, पिटाई लगाती थी। और इस सब से गांधी जी को बहुत हर्ट हो रहा था। गांधी जी ये सब कुछ नहीं चाहते थे। तो अब गांधी जी थोड़ा यू नो ही वाज टेकन अबैक एंड गांधी जी थॉट कि यही टाइम है कि कुछ और बड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन और कुछ फुल प्रूफ सोचना पड़ेगा। तो गांधी जी चले गए भाई अपने घनन चिंतन मोड में। अब आती है बारी खिलाफत मूवमेंट की। तो गांधी जी अभी आप इमेजिन करो कि बैठे हुए हैं कहीं, सोच रहे हैं। अभी बात करते हैं कंट्री के मुस्लिम्स की। कंट्री के मुस्लिम्स किसी और ही मुद्दे पे परेशान थे। मुद्दा था खलीफा का। अभी खलीफा कौन है? खलीफा टर्की में है, ऑटोमन एम्पायर में। टर्की में ऑटोमन एम्पायर में खलीफा नाम के मुस्लिम्स के, पूरे दुनिया के मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड होते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर वन जो दुनिया में चल रही थी ना, जिसमें आपका यूरोप जीत गया था, ब्रिटेन भी जीत गया था, उसने खलीफा पे एक हार्श पीस ट्रीटी डाल दी थी और खलीफा को तंग करने की ठान ली थी। और खलीफा के सपोर्ट में, क्योंकि भाई स्पिरिचुअल लीडर है मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम लोग तो आवाज उठाएंगे, तो उसी खलीफा जो टेम्पोरल हेड थे, टेम्पोरल हेड कह रहे हैं सॉरी, स्पिरिचुअल लीडर थे मुस्लिम के, उन्हीं की टेम्पोरल पावर्स के लिए हमारे इंडिया के मुस्लिम्स ने आवाज उठाने की ठानी और उस आवाज का नाम है खिलाफत कमेटी। बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बना दी खलीफा के लिए। और इस खिलाफत कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन दो लोग थे जो काफी प्रोमिनेंट थे, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। अभी शौकत अली और मोहम्मद अली भी यही सोच रहे थे कि कितना बढ़िया हो जाता अगर हिंदूस का, जो मेजोरिटी थे हमारी कंट्री में, अगर हिंदूस का भी सपोर्ट मिल जाता। एंड साइड बाय साइड गांधी जी क्या सोच रहे थे, कितना बढ़िया हो जाता कि हिंदूस और मुस्लिम साथ में आते। तो फाइनली मोहम्मद अली शौकत अली जब गांधी जी से मिले, तो गांधी जी ने बोला यही तो मैं कब से सोच रहा था, दैट हाउ टू ब्रिंग हिंदूस एंड मुस्लिम टुगेदर। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया नया था, गांधी जी को ये बात समझ आ रही थी कि देश जब तक ब्रिटिशर से कोऑपरेट करेगा ना, तब तक तो हम आजाद कभी हो ही नहीं सकते। एक किताब है हिंद स्वराज नाम की, बुक 1909 में बनी है। गांधी जी ने उसमें बुक में पहले ही लिख दिया था दैट वी आर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली बिकॉज वी कीप कोऑपरेटिंग विद देम। मतलब वो हमें मारते हैं, हम मार खा लेते हैं, हम आवाज ही नहीं उठाते। तो जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कोई आपकी कैसे सुनेगा। तो फाइनली मतलब इतना सब घनन चिंतन शौकत अली मोहम्मद अली के साथ मिलके गांधी जी ने सोचा अब टाइम है हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाने का। और इसी के लिए गांधी जी उन्हें लेके चले गए कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन बोले तो 1919 का कलकत्ता सेशन, और वहां पे उनकी फ्रेंडशिप करा दी। स्वराज और खिलाफत को मिला कि उन्होंने बनाया नॉन कोऑपरेशन, और फाइनली ये नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया। नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ सरेंडरिंग ऑफ टाइटल से।
गांधी जी ने इसमें बॉयकॉट करवाया। बॉयकॉट क्या होता है बच्चा, कि आप कोई चीज ना करो, सिविल सर्विसेज में मत पार्ट लो, आर्मी में मत लो, पुलिस में पार्ट मत लो, कोर्ट में ना लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मत लो, गवर्नमेंट को फुल ऑन दिखाओ कि हम आपके साथ आपके गलत कामों में खड़े नहीं रहेंगे। सपोर्ट तो मिल रहा था, गांधी जी को काफी सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस कन्विंस्ड नहीं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वाज कांग्रेस नॉट कन्विंस्ड बिफोर फॉर एनसीएम, तो क्या लिखोगे इसमें? लिखोगे कि कांग्रेस कन्विंस इसलिए नहीं थी कि कांग्रेस को थोड़ा समझ नहीं आया कि गांधी जी आप बोल रहे हो कि हमें आजादी चाहिए, फिर आप बोल रहे हो कि हम इलेक्शंस में पार्ट ना ले, तो गांधी जी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे तो देश हमारा कैसे होगा? कांग्रेस को ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए गांधी जी को थोड़ा टाइम लग गया कांग्रेस को कन्विंस करने में। फाइनली कांग्रेस कन्विंस हो गई 2-3 महीनों में, और फिर कांग्रेस के रजामंदी के साथ गांधी जी ने नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में एनसीएम मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली अडॉप्ट कर दिया। बच्चा अभी अडॉप्ट हुई है, अभी चालू नहीं हुई है, ठीक है? चालू हुई, हाँ चालू कब हुई? चालू हुई आपकी जनवरी 1921 में। तो यहाँ कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? खिलाफत कमेटी बनी मार्च 1919 में, फिर सितंबर सेशन जो हुआ कैलकटा वाले में, उसमें स्वराज और खिलाफत साथ में आए एनसीएम बनाने के लिए, फिर फाइनली नागपुर सेशन में आपने कन्विंस कर लिया कांग्रेस को, और फिर फाइनली जनवरी 1920 में आपने एनसीएम को लॉन्च कर दिया। अभी लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन लॉन्च का असर कुछ अलग अलग होने वाला था। टाउन्स में कुछ अलग असर हुआ, गांव में कुछ अलग असर हुआ, हर जगह कुछ अलग अलग असर हुआ। टाउन्स की बात करते हैं, टाउन्स में एनसीएम में पार्ट लेने वाले सबसे ज्यादा कौन से लोग थे? मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। उन्होंने फुल ऑन पार्टिसिपेट किया, गुड्स को बॉयकॉट किया, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया, यू नो लॉयर्स ने लॉ स्कूल जाना छोड़ दिया, कोर्ट जाना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, प्रोफेसर्स ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, इनफैक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या है बॉयकॉट कर दिया। एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जस्टिस पार्टी मद्रास की, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लिया था, अदरवाइज पूरे देश ने बोला कि हम इलेक्शन में भी पार्ट नहीं लेंगे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम इवन इनफैक्ट मर्चेंट्स ने भी ना जो फॉरेन क्लॉथ है उन्हें बेचना शुरू कर दिया था, इंपोर्ट उसका आधा हो गया था। तो सब कुछ एनसीएम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ हमारी अपनी बैगेज था पास्ट का, जिसकी वजह से सिटीज का मूवमेंट जो है स्लो हो गया। इस पे भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिड मूवमेंट स्लो डाउन इन द एनसीएम मूवमेंट स्लो डाउन इन द सिटी। क्या लिखोगे? ये 3 पॉइंट्स लिखोगे। खादी बड़ा एक्सपेंसिव था, अगर बाहर का कपड़ा ना पहने, मशीन मेड क्लोथ ना पहने जो बहुत सस्ता है, तो खादी पहने, घर का कपड़ा पहने, लेकिन खादी तो महंगा है और देश है गरीब, गरीब देश खादी कैसे अफोर्ड करेगा? ठीक है, एक तो पॉइंट ही होगा। दूसरा, अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, कॉलेजेस नहीं जाओगे, लॉयर्स कोर्ट्स नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं, तो फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, दैट खादी वॉज एक्सपेंसिव, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लैक्ड ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस टू गो टू, एंड ऑल्सो फॉरेन क्लॉथ वॉज एंड फॉरेन गुड्स वर चीप। 3 पॉइंट। आगे चलते हैं, इसका आंसर भी मुझे जरा कॉमेंट्स में दे देना। ठीक है, आगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड की बात करते हैं, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, तो कंट्री साइड में एक नाम आता है चमकता हुआ, बाबा रामचंद्र का। एक केस स्टडी है, कंट्री साइड का मतलब विलेजेस इंडिया के, लेकिन इस विलेजेस में हमने केस स्टडी रखी है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है अवध। अवध एक गांव है। तो बाबा रामचंद्र नाम का एक इंडेंचर्ड लेबर, बोले तो एक बॉन्डेड लेबर, जो खुद किसी जमाने में फीजी में बॉन्डेड लेबर की तरह भेजे गए थे, जब वो देश वापस आए तो उन्हें समझ आया कि देश की हेल्प करना ज्यादा जरूरी है। तो बाबा रामचंद्र ने ठान लिया कि जो इंडिया के जो गरीब पेजेंट्स हैं उनकी आवाज उठाएंगे। अभी गरीब पेजेंट्स को एनसीएम के बारे में पता तो था, नॉन कोऑपरेशन के बारे में पता तो था, लेकिन उनकी लड़ाई ज्यादातर ब्रिटिशर्स से नहीं थी, उनकी लड़ाई तो यार घर के लोगों से थी ना, अमीर पेजेंट्स से थी, तालुकदार, लैंडलॉर्ड, जमींदार, इन लोगों से थी। यही लोग तो छोटे पेजेंट्स को तंग करते थे। कैसे तंग करते थे? हाई रेंट मांगते थे उनसे, कई तरीके के टैक्सेस मांगते थे उनसे, बेगर करवाते थे, बेगर का मतलब उनसे फ्री लेबर करवाते थे। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये इस आवाज को उठाने के लिए बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा बनवाई जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके। कई सारी इंडिया के पार्ट्स में नाई धोबी बंद भी हुए, ताकि लैंडलॉर्ड्स को समझ आए कि अगर हम छोटे पेजेंट्स काम नहीं करेंगे, या यू नो लो लेवल, लो प्रोफेशन जो मानते हैं, उस जमाने में माना जाता था ऐसा कि ये जो लो प्रोफेशन है इनके लोग काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा काम भी नहीं चलेगा। तो ये सबक सिखाने के लिए हुआ। और अवध किसान सभा स्पेशली इतनी फेमस हो गई कि 1 महीने के अंदर अंदर इसकी 300 ब्रांचेस खुल गई थी, बच्चा काफी फेमस हो गई थी। लेकिन ये मूवमेंट भी नहीं चला, हमारे गांव में भी मूवमेंट नहीं चला। गांव में मूवमेंट इसलिए नहीं चला क्योंकि थोड़े दिन बाद लोग भूल गए कि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते हैं।
तो जोश जोश में आके लोगों ने बाजार को लूटना शुरू कर दिया, लोकल पेजेंट्स को, लोकल लीडर्स बोलते थे कि गांधी जी ने बोला है, हाँ हाँ वायलेंस ठीक है, गांधी जी ने बोला है कि लैंड दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीब लोगों में, सब कुछ गांधी जी के नाम पे होता था। तलुकदार के घर पे अटैक कर दोगे, मर्चेंट्स की पिटाई कर दोगे, फिर वायलेंस, फिर से वायलेंस आ गया। शहरों में वायलेंस नहीं आया था, लेकिन शहरों की अलग प्रॉब्लम थी, गाँव में वायलेंस आ गया था। अभी वायलेंस ऐसा एक और जगह आया था, वो था ट्राइबल एरिया। इसमें भी केस स्टडी है, केस स्टडी है आपकी गुडम हिल्स की। गुडम हिल्स पड़ता है बच्चा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स में एनसीएम की जब खबर पहुंची, तो एनसीएम की तरह नहीं, वो सत्याग्रह की तरह नहीं किया गया, वो किया गया मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, मतलब कि वायलेंट गुरिल्ला मूवमेंट की तरह 1920s में। गुडम हिल्स में एक व्यक्ति हुआ करते थे अलूरी सीताराम राजू के, वो काफी वियर्ड व्यक्ति थे। वो बोलते थे मैं गोली से भी नहीं मरूंगा, मैं भगवान का रूप हूँ, मैं फोक हीरो हूँ, ऐसी ऐसी बातें करते थे। और उन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पे इतना जादू सा कर रखा था, उन्होंने लोगों को कन्विंस कर रखा था कि गांधी जी बेस्ट हैं, गांधी जी का एनसीएम सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था लोगों को कि आप खादी भी यूज करो, आप लिकर भी कंज्यूम मत करो, राइट, लिकर बहुत गंदी है आपकी फैमिलीज के लिए, सोशल और आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन उन्होंने लोगों को कन्विंस कर रखा था कि आप वायलेंस यूज करो। तो आधी बातें तो वो अच्छी बोल रहे थे, लेकिन एक बात उन्होंने खराब बोली थी जो गांधी जी कभी नहीं बोलते थे, वायलेंस यूज करने के लिए। तो अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, जो ट्राइबल लोगों का ये जो एनसीएम मूवमेंट था वो भी काफी वायलेंट हो गया। इन लोगों ने भी पुलिस पे अटैक करने शुरू कर दिए, उन्हें मर्डर करने की कोशिश करने लग गए, सारे लॉज मानने बंद कर दिए, ठीक है। तो ट्राइबल पेजेंट्स ने थोड़ा हड़कंप मचाया, फिर फाइनली उनके लीडर को पकड़ा गया 1924 में, भाई एग्जाइल भेजा गया, मतलब कैद में भेजा गया, फिर मार भी दिया गया, तब जाके ये एनसीएम वहां पे ठंडा हुआ। तो दोनों गांव में और ट्राइबल एरिया में वायलेंट हो गया था। अब आता है स्वराज इन द प्लांटेशन। भाई इनकी कहानी सबसे दुखदाई है, आई विल टेल यू व्हाई। स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब ऐसे व्यक्ति जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जैसे आसाम में जो चाय की खेती होती है। जब वहां पे आवाज पहुंची एनसीएम की कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन लॉन्च किया है, तो उन्होंने सोचा बल्ले बल्ले, अब हम फ्रीली मूव करेंगे। तो बच्चा जो हमारे कंट्री में ना एक लॉ हुआ करता था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ब्रिटिशर्स के अंडर प्लांटेशन वर्कर हो ना, तो जब तक ब्रिटिशर्स नहीं बोलेंगे, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे, तब तक आप वो एरिया छोड़ के नहीं जा सकते। बेसिकली आप बधुआ मजदूर हो, अगर आप आ गए हो तो आ गए हो, आए अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, इस टाइप का कुछ अजीब सा लॉ था। तो जब मेरी एनसीएम की खबर पड़ी तो इन्हें लगा ठीक है, अब तो गांधी जी आए, सब संभाल लेंगे, हम चल देते हैं अपने घर, देखा जाएगा जो होता जाएगा, गांधी जी देख लेंगे। गांधी जी के पास तो और भी काम थे ना, एक छोटे से काम पे इतना फोकस कैसे करते। तो जैसे उन्होंने सुना एनसीएम, वो सब छोड़ छाड़ के, प्लांटेशन छोड़ छाड़ के अपनी घर की तरफ चलने लगे। ठीक है, अभी घर की तरफ चलते कैसे, पूरी कंट्री में एनसीएम चल रहा था, तो रेलवे भी बंद था और स्ट्रीमर भी बंद था, तो वो घर पहुंच ही नहीं पाए। इससे पहले कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव विलेजेस पहुंचते, बच्चा उनको रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया, खूब पिटाई लगाई और फिर से उनको ड्रैग करते हुए लेके आ गए प्लांटेशन वर्कर। तो अगेन प्लांटेशन में भी स्वराज बोले तो एनसीएम क्या हो गया, फेल। लेकिन कुछ भी बोलो, फेल वेल ठीक है, लेकिन हर जगह जो ये जो स्वतंत्र भारत के जो नारे लगने शुरू हो गए थे ना, देश में जो नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था, देशभक्ति, वो एक बहुत सही चीज थी। गांधी जी एक आवाज लगाते थे, पूरा देश रिस्पॉन्ड करता था विदाउट व्हाट्सएप मैसेजेस, दिस वाज वेरी वेरी अमेजिंग। अब चलते हैं चौरी चौरा की तरफ। ये सारी चीजें तो हो रही थी, वायलेंस हर जगह देश में देखने को मिल रहा था एनसीएम में, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जिससे गांधी जी को बहुत हर्ट हुआ। उस इंसिडेंट का नाम था बच्चा चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा पड़ता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा में जो गांव वाले हैं पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्होंने लाठीचार्ज किया, तो गांव वालों ने भी पिटाई लगा दी, भूल गए गांधी जी ने बोला है नॉन वायलेंस, और ऐसी पिटाई लगाई कि पुलिस स्टेशन को आग ही लगा दी। उस पुलिस स्टेशन को आग में कम से कम 22 पुलिस वाले मर गए, और फिर गांधी जी को लगा बताओ मैं तब से कह रहा हूँ नॉन वायलेंस, यहाँ पे पुलिस वालों को, पुलिस स्टेशन को आग लगा रहे हो। तो आफ्टर चौरी चौरा गांधी जी फेल्ट अगेन रियली रियली हर्ट एंड ही हैड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आती है बारी कुछ बड़ी मूवमेंट की, लेकिन बड़ी मूवमेंट से पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस में क्या खिचड़ी पकड़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और दुनिया में क्या खिचड़ी पकड़ी थी, और ब्रिटेन में स्पेशली क्या खिचड़ी पड़ रही थी, ये तीन खिचड़ी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले कांग्रेस की बात करते हैं। तो अब जब देश में इतना सब कुछ चल रहा था, हलचल मच रही थी, तो कांग्रेस में भी कई लोग हलचल मचा रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जिन्हें समझ आ रहा था कि यार ये मास स्ट्रगल बहुत हो गया, सत्याग्रह वत्याग्रह अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब हमें इलेक्शंस में पार्ट लेने की जरूरत है, और जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हम आजाद कभी हो नहीं पाएंगे। तो देयर वर मेनी पीपल हु वांटेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन।
सीआर दास की बात कर लो, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, ये ओरिजिनली कांग्रेस के पार्ट थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस में रहते रहते ही अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, क्योंकि ये फिर से काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे। वही जो यंगर लीडर्स थे वो ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे थे, अलग पार्टी वार्टी नहीं बना रहे थे, जैसे नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस हो गए, लेकिन वो अब ये कह रहे थे कि यार अब फुल ऑन इंडिपेंडेंस मांगने की जरूरत है, अभी छोटा छोटा यू नो प्रोटेस्ट करके काम नहीं चलेगा, अभी रेडिकल मास एजिटेशन चाहिए, कि भाई बहुत बड़े लेवल पे कंट्री को मास एजिटेट करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो ये थोड़ा रेडिकल होना चाह रहे थे। देख रहे हो ना, एक ही कांग्रेस के अंदर कुछ नरम दल है, कुछ गर्म दल है ना। अब ये तो हो गई कांग्रेस की हलचल की बात, अभी दुनिया की बात करते हैं। दुनिया में भी कुछ अलग चल रहा था, दुनिया में चल रहा था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अभी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के, स्पेशली यूरोप के देशों ने, यूएसए ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऐसे कई सारे देशों ने वर्ल्ड वॉर नंबर वन में पार्ट लिया। अभी लड़ाई करोगे तो लॉस तो होगा, तो लड़ाई के बाद इतना लॉस हुआ था कि हमारी कंट्री जो इतना सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था उसकी डिमांड कम हो गई थी, टाइम फिर काफी सारी कंट्रीज अपना एग्रीकल्चर उगाने लग गई थी, तो हमारी कंट्री का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट किसी को चाहिए ही नहीं था, तो हमारी कंट्री के जो कि मोस्टली पेजेंट से मिलकर बनी हुई थी वो कंट्री अब धीरे धीरे अपना कोलैप्स देख रही थी। पूरी कंट्री में एक टर्मोइल का यू नो माहौल बना हुआ था, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने लग गए, जब किसी को हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए नहीं था तो हम प्राइसेस भी नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो हमारी कंट्री को लॉस हो रहा था। वैसे ही गरीब देश अब और लॉस में जा रहा है, ठीक है। अब ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन की खिचड़ी का नाम था बच्चा साइमन कमीशन। एक ऐसा कमीशन बनाया था, एक ऐसा ग्रुप बनाया था टोरी गवर्नमेंट में सर जॉन साइमन ने, जिसमें वो बोल रहे थे कि हम जो है, हम ब्रिटिशर्स जो हैं, हम देखेंगे जो इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है, हम देखेंगे कि उसका फंक्शन अच्छा है कि नहीं। यार इतनी मुश्किल से तो तुमसे आजादी मांग रहे हैं, तुम यार जाओ ना, तुम छोड़ोगे तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे, तुम क्या हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो अभी भी। तो ये जो साइमन कमीशन है ये इंडिया में किसी को भी पसंद नहीं था, इनफैक्ट इस साइमन कमीशन में एक भी भारत का वासी नहीं था। तो आप बिना इंडियंस से पूछे और जाने और उन्हें इंक्लूड किए कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टांग अड़ाने आ सकते हो, राइट। तो फिर साइमन कमीशन जैसे ही इंडिया आया अपना अपना काम करने, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग चेक करने, जैसे ही ब्रिटेन से वापस आया इंडिया, वैसे ही हमने बोला कि हम तो करेंगे प्रोटेस्ट। तो सर जॉन साइमन को काफी दुख हुआ होगा, लेकिन हर जगह जहां साइमन कमीशन गया वहां गो बैक साइमन के नारे लगे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या मुस्लिम लीग, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस, सब लोग साथ आ गए, अमीर गरीब, और सब ने नारे लगाए। और इसी में हमारे लॉर्ड इरविन को लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा हलचल हो गई है, ये तो इंडिया कुछ ज्यादा यूनाइट होता हुआ दिख रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो लॉर्ड इरविन ने एक बार्गेनिंग का एक पासा फेंका। लॉर्ड इरविन ने बोला अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ इंडियंस, शांत हो जाओ, प्रोटेस्ट मत करो, डोमिनियन स्टेटस ले लो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी ले लो ना अपने हाथ में, बाकी सब देखा जाएगा, तो ले लो यार, देश अपना खुद चलाओ। लेकिन कांग्रेस को अब ये माजरा समझ आने लग गया था, कांग्रेस को ये समझ आ गया था कि ये सिर्फ इनकी एक चाल है, अगर हम डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम पूर्ण स्वराज की बात, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं रख पाएंगे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपना तेज दिमाग यूज किया और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन 1929 में बोल दिया कि अब हमें कोई आधी आजादी नहीं चाहिए, अब तो हमें चाहिए पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि तुम हमें आजादी दो ना दो, हम 26 जनवरी 1930 को हम आजादी दिवस मनाएंगे ही मनाएंगे, ठीक है। लेकिन आजादी वो बात अलग है, 15 अगस्त को मिली, तभी तो 26 जनवरी को हमने इंपॉर्टेंस देने के लिए रिपब्लिक डे बना दिया। एक्स्ट्रा नॉलेज। एनीवे, इसका भी आंसर बता देना यार, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लो, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है। अभी हम चलते हैं सॉल्ट मार्च की तरफ। हाँ, तो अब गांधी जी तब तक सोच विचार करके एकदम ताजे हो गए थे, और गांधी जी को लगा कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो गांधी जी ने पूरे देश की हालत देखी और गांधी जी ने लिखना शुरू किया एक लेटर। गांधी जी ने लेटर लिखा इंडिया के वॉइसरॉय को, लॉर्ड इरविन को, और लेटर में थी 11 डिमांड में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उस डिमांड में एक चीज थी जो सॉल्ट लॉ से रिलेटेड थी, नमक। ये नमक से क्या फैसिनेशन था गांधी जी को, गांधी जी ने क्यों सोचा कि नमक एक पावरफुल सिंबल बन सकता है देश को यूनाइट करने के लिए, ऐसा क्या है नमक में, मैं बताती हूँ। अच्छा, नमक सब लोग खाते हैं, एवरीबडी यूजेस इट, ब्रिटिशर्स, इंडियंस, एवरीबडी, गरीब अमीर, ब्राह्मण क्षत्रिय, सब लोग खाते हैं, और नमक हम रोज खाते हैं, इट्स एसेंशियल कमोडिटी। और इतनी एसेंशियल कमोडिटी जो देश का हर वासी खाता है उस पे सॉल्ट लॉ था, मतलब हमें खुद को अपने देश के नमक पे टैक्स देना पड़ता था, और हम उसका प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते थे, उसके प्रोडक्शन पे भी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। तो इन 5 कारणों की वजह से गांधी जी को लगा कि नमक ही वो चीज है जो पूरे देश की पेट्रियोटिक कॉर्ड को स्ट्राइक कर सकती है। तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट को पावरफुल सिंबल चुना,
और सोचा कि सीधी सी बात है, ये 11 डिमांड्स का जो लेटर है लॉर्ड इरविन को मैं भेज रहा हूँ, अगर उन्होंने मेरी बात मानी तो मानी, नहीं मानी तो मैं फिर सीडीएम स्टार्ट कर दूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। सोची समझी भाई प्लानिंग थी। अब लॉर्ड इरविन अपने अलग एटीट्यूड में, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की एक भी डिमांड नहीं मांगी, 11 तो दूर की बात, तो महात्मा गांधी ने वही किया जो उन्हें करना पड़ा। महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, तो टोटली टोटल देखो तो 79 हो गए थे गांधी जी इंक्लूडेड, 78 वॉलंटियर्स के साथ निकल पड़े। साबरमती आश्रम छोड़ के 240 माइल दूर दांडी जाना चाह रहे थे, रोज चलते थे यार 10 माइल। 24 दिन में वो पहुंचे, फाइनली 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। बीच बीच में रुकते थे, लोगों से बात बात करते थे, लोग भी उनका काफिला ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन फाइनली वो 6 अप्रैल को जब दांडी पहुंचे तो उन्होंने कोई गन्स यूज नहीं की, कोई वेपन यूज नहीं किया, चुपचाप दांडी पे जो एक बीच है बच्चा, दांडी पे जाके चुपचाप नमक बनाया। एंड दैट नमक वॉज लाइक ब्रिटिशर्स इन योर फेस, सी आई एम मेकिंग माई सॉल्ट इन माई ओन कंट्री, यू कांट टेल मी वॉट टू डू। गांधी जी एक्चुअली मेड यू नो यूज सॉल्ट एज अ सिंबल कि अब हमें तुम नहीं रोक सकते हो, हम तुम्हारे जितने अनजस्ट लॉज हैं उन्हें हम डिसओबे करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो कोई आपसे पूछे कि स्टार्ट कब हुआ सीडीएम, तो 6 अप्रैल 1930। कोई पूछे सॉल्ट लॉ कब ब्रेक हुआ, तो भी 6 अप्रैल 1930। ठीक है, अब जब गांधी जी ने नमक बना दिया तो पूरा देश नमक बनाने में आ चुका था। नमक के साथ साथ लोग लिकर शॉप्स को पिकेट करते थे, विलेज ऑफिशियल्स के डिमांड नहीं मानते थे, पेजेंट्स बोलते थे जाओ तुम्हें रेवेन्यू नहीं देते, फॉरेस्ट लॉज नहीं मानते थे, फॉरेन क्लॉथ को बायकट करते थे, सब कुछ चल रहा था। ब्रिटिशर्स अगेन डर गए, और हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है बच्चा, जब जब ब्रिटिशर्स डर जाते हैं वो कुछ बहुत गंदा करते हैं। तो जब हम इतना सत्याग्रह करने लगे तो पुलिस हमारी पिटाई लगाने लगी। पिटाई तो छोड़ो, वो चुन चुन के कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करती थी। कुल मिला के कुछ 1 लाख लीडर्स अरेस्ट हुए थे, जिसमें अब्दुल गफार खान आते थे जो पेशावर में सिविल डिसोबिडियंस कर रहे थे, और गांधी जी को भी 1 महीने बाद अरेस्ट कर लिया गया था शोलापुर में, उसमें इतना दंगा हुआ था उसकी वजह से, लेकिन उसने ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं था, वो फुल ऑन अपना ब्रूटल रिप्रेशन करने पे तुले हुए थे। वो देखते भी नहीं थे कि औरतों को अरेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं कि आदमियों को कर रहे हैं, दे वर जस्ट अरेस्टिंग मोर एंड मोर पीपल। और इसी की वजह से गांधी जी को लगा कि यार ये भी नहीं चलेगा। और तभी तभी ब्रिटिशर्स आते हैं, लॉर्ड इरविन आता है कि देखो गांधी तुम्हारे देश के साथ क्या हो रहा है, बट तुम ये सब रोक सकते हो, तुम ये सब कुछ रोक सकते हो, हम तुम्हारे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ देंगे अगर तुम्हारे साथ तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल के बैठो। गांधी जी ने बोला अभी क्या करूं, देश वाले जेल में है, पहले इनको छुड़वाता हूं फिर देखता हूं क्या करना है। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ पैक्ट कर लिया, और इसी पैक्ट से सीडीएम मूवमेंट खत्म हो गया, एंड हो गया, और इस पैक्ट का नाम बना गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी ने बोला कि मेरे देश वालों को छोड़ दो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो। इरविन ने बोला ठीक है छोड़ दूंगा। इरविन ने बोला कि फिर तुम हमारे साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो। अब गांधी जी ने वादा कर दिया, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। गांधी जी पहुंच गए लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बकवास हुई। गांधी जी वहां से डिसअपॉइंटेड लौटे, गांधी जी को वहां इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं सुनने को मिला तमीज का। और जब गांधी जी पहुंचे इंडिया वापस तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो कुछ अलग ही ब्रूटल रिप्रेशन चल रहा है। इंडिया में कांग्रेस को इलीगल करार दे दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर दिया है, कांग्रेस के मोस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया है। अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन हैड बिगन इन इंडिया व्हेन गांधी जी केम बैक फ्रॉम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट करना था। गांधी जी ने मन मारते हुए सोचा कि यार मूवमेंट मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, बेटर पार्टिसिपेशन के साथ करूंगा। पर बेटर पार्टिसिपेशन कहां से आएगा, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सीडीएम में? तो पेजेंट्स ने किया और नहीं भी किया, मतलब बोले तो रिच पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर करेंगे तो उनकी हाई रेवेन्यू की जो यू नो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी, और गांधी जी मतलब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे कि सीडीएम के साथ साथ उनके भी व्यारे न्यारे हो जाएंगे। पूर पेजेंट्स ने नहीं किया क्योंकि उन्हें अभी भी रेंट देना पड़ रहा था, टैक्स देने पड़ रहे थे, तो उन्होंने नो रेंट कैंपेन चलाया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने कांग्रेस की मूवमेंट बोले तो सीडीएम को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट किया बच्चा, क्योंकि देखो सिंपल सा था, अगर पुअर पेजेंट को सपोर्ट करोगे तो रिच पेजेंट्स आपके अगेंस्ट हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। और कांग्रेस सोच रही थी कि इस वक्त देश की आजादी के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है, और रिच पेजेंट से अगर पंगा मोल ले लिया तो फिर मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने रिच पेजेंट्स को सपोर्ट किया, पुअर को नहीं किया। बिजनेस क्लास को भी कांग्रेस ने काफी सपोर्ट किया। कांग्रेस का इनफैक्ट सीडीएम मूवमेंट तो बिजनेस क्लास के लोग जो है फंड भी कर रहे थे।
जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास या फिर जी डी बिरला, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये सीडीएम में काफी आगे थे। ये तो चाह रहे थे कि बस ये जो फॉरेन गुड्स आते रहते हैं ना, मशीन मेड गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स आते रहते हैं बाहर से, अगर ये आने बंद हो जाए तो वो अपने इंडिया में अपना सामान बेचें और प्रॉफिट कमाएं। उनके लिए सीडीएम का मतलब था कि उनके अब फॉरेन गुड्स, फॉरेन इम्पोर्ट्स बंद हो जाएं, रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो पे काम किया जाए, और इसीलिए उन्होंने सपोर्ट कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई बच्चा, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई, FICCI बनाई, FICCI की फुल फॉर्म पढ़ लेना, राइट, और सीडीएम में पार्ट लिया। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो नहीं पार्ट लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्ट नहीं लिया। अगेन क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तो इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बिजनेसमैन से थी, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन वर इंडियंस। उन्होंने सीडीएम में ज्यादा पार्ट नहीं लिया, नागपुर में पार्ट लिया गया, छोटा नागपुर टिन फैक्ट्री में पार्ट लिया गया, दो तीन जगह पार्ट लिया गया। बाकी उनकी डिमांड कांग्रेस सुन नहीं रही थी, वर्किंग आवर्स कम करने की, पैसे ज्यादा देने की, तो उन्होंने भी कांग्रेस की सीडीएम में सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, विमेन की बात करते हैं, विमेन ने खूब सपोर्ट किया था यार, विमेन ने पिकेटिंग की, बॉयकॉटिंग की, जेल तक गई विमेन, सॉल्ट मार्च में पार्ट लिया, सब कुछ किया, लेकिन औरतों को सपोर्ट नहीं मिला। तो विमेन ने सीडीएम को सपोर्ट किया, लेकिन सीडीएम ने विमेन को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट गांधी जी बोलते थे कि औरतें क्या करेंगी सीडीएम में पार्ट लेके, हाँ ठीक है कर रही हो तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम तो घर की यू नो वाइफ बनना है या मदर बनना है, वो द स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी हिमसेल्फ। और कांग्रेस भी औरतों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी हाँ हाँ ठीक है तुम्हें सपोर्ट करना है तो करो सीडीएम को, लेकिन तुम तो सिर्फ सिंबॉलिकली प्रेजेंट रहोगी कांग्रेस में, तुम्हें कोई रियल पावर नहीं देगी। तो विमेन को सपोर्ट नहीं मिला देश के लीडर्स से। एनीवे इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देना है ना चैट में। आगे चलते हैं, लिमिट्स ऑफ द सीडीएम। तो अगर लिमिटेशन था सीडीएम की बच्चा, तो सिर्फ आपको यही लिमिटेशन नहीं लिखनी है, आप ये भी लिख सकते हो दैट यू नो वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, पुअर पीपल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, उसके साथ साथ मुस्लिम पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड दलित पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट। अगेन कांग्रेस वाली प्रॉब्लम है कि जो कांग्रेस है वो सनातनी को फेवर करती थी, हाई क्लास हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज को, और हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदू दलित लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो अगर आप हाई कास्ट हिंदूज को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर दलित लोग आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ना। तो दलित लोग, दलित सेक्शन जो था सोसाइटी का, दैट वाज नॉट वेरी यू नो ईगर टू सपोर्ट सीडीएम मूवमेंट। इनफैक्ट उन्हें लग रहा था कि हमें अपना अलग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे काम करना चाहिए। जो दलित लीडर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने पूरी कंट्री के दलित कम्युनिटी को यू नो ऑर्गेनाइज करने के लिए डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन खोली 1930 में, और दलित लीडर्स की बात मानते हुए गांधी जी से बोला कि गांधी जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, क्योंकि हमें देश के हाई कास्ट हिंदू पे, कंजर्वेटिव हिंदू पे भरोसा नहीं है कि देश आजाद होगा तो वो हमें कुछ देंगे कि नहीं देंगे। अब गांधी जी तो अनटचेबिलिटी को बिल्कुल नहीं मानते थे, वो तो दलित लोगों को हरिजन भी बोलते थे, यू नो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो तो दलित लोगों के लिए सत्याग्रह भी करते थे। तो गांधी जी को लगा कि अम्बेडकर तुम ये क्यों कर रहे हो, देश बनने से पहले ही टूट जाएगा, और इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। तो अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, गांधी जी कह रहे थे कि मत करो ऐसा, देश डिसयूनाइट हो जाएगा, और इसीलिए दोनों ने एक पैक्ट बनाया, एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है पूना पैक्ट ऑफ 1932। पूना पैक में गांधी जी ने बोला कि ठीक है अंबेडकर जो तुम कह रहे हो मैं कर दूंगा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, जब देश आजाद होगा तो एससीज और एसटीज को मैं रिजर्वेशन दिलवा दूंगा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मत करो। तो पूना पैक का आउटकम था रिजर्वेशन व्हेन द कंट्री वुड बी इंडिपेंडेंट। अब आती है बात मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम लोगों का भी यही था, कांग्रेस में ज्यादातर लीडर हिंदूज थे, तो मुस्लिम लोगों को लग रहा था कि देश की आजादी में हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ ना चला जाए, कि ऐसा ना हो कि देश आजाद हो लेकिन हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिले ही ना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की टेंशन काफी बढ़ती जा रही थी, इनफैक्ट देश में दंगे भी शुरू हो गए थे, और कांग्रेस के कुछ दोस्त थे जो मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं थे, जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे हिंदू यू नो महासभा, ये लोग तो चाहते ही थे कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदूज रहें, तो मुस्लिम लोगों को और इनसिक्योर फील होता था। तो फिर ये टेंशन इतना बढ़ता गया कि फाइनली जिन्ना ने बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि हमें भी गांधी जी आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। लेकिन गांधी जी ने ट्राई किया, इनफैक्ट कांग्रेस ने भी ट्राई किया, मुस्लिम लीग ने भी ट्राई किया कि सब लोग एक जगह बैठ के बात कर लें, ऑल इंडिया कांग्रेस बुलाई गई। लेकिन उस ऑल इंडिया कांग्रेस में भी है ना जो एक व्यक्ति थे MR जयाकर करके, उन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि जाओ मुस्लिम्स तुम्हें कुछ नहीं दे। तो बेसिकली यहाँ हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच का टेंशन इतना बड़ा कि मुस्लिम्स कभी खुल के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ही नहीं ले पाए, वो हमेशा एलियनेटेड फील करते थे। एनीवे तो ये तो हो गया सब सीडीएम तक बचा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है कि नेशनलिज्म फैलाया कैसे, किसी एक के दिल में अगर आ गया था देशभक्ति तो उसने बाकी के दिलों में वो देशभक्ति का दीप कैसे जलाया। तो बहुत सिंपल,
हमने अपने कल्चर को यूज किया, हमने पास्ट को यूज किया, हमने कहानियां यूज की, गाने यूज किए, पोएम्स यूज की, पिक्चर भारत माता की इमेज यूज की, और इसी कल्चरल प्रोसेस से हमने सबके दिलो दिमाग में भारत का कॉन्सेप्ट जगाया। भारत माता की फोटो की बात कर रही थी ना मैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली फोटो बनाई थी भारत माता की, फोटो बोल रही हूँ, इमेज बनाई थी, और उन्होंने वंदे मातरम गाना भी लिखा था। वंदे मातरम हम सबको पता है आज हमारा नेशनल सॉन्ग बन गया है। उस जमाने में उन्होंने अपनी किताब आनंद मठ में इस गाने को डाला था, और जो जो ये किताब पढ़ता था उसको लगता था कि यार देश तो मेरा ही है, काम तो मैं ही करूंगा या करूंगी अपने देश के लिए, राइट? और यही तो हम चाहते थे। फिर आती है बात अवेंद्रनाथ टैगोर की। अवेंद्रनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भारत माता की इमेज को और आगे ले गए, उन्होंने उसकी पेंटिंग ही बना डाली। पहली पेंटिंग भारत माता की अवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, और उन्होंने भारत माता को दिखाया एकदम एस्केटिक, एकदम काम एंड कंपोज, जिसे किसी से डर नहीं लगता लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहती, ठीक है? एंड शी इज वेरी डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। बाद में कई सारे आर्टिस्ट ने भारत माता को अलग अलग तरीके से दिखाया, जैसे आप अपने गॉड और गॉडेसेस की भी मूर्तियां देखते हो तो अलग अलग डिजाइन की होती है, वैसे भारत माता की भी कई सारी इमेजेस बनी। कभी कहीं गुस्से में होती थी, कभी कहीं रेजिलियंट होती थी, कभी कहीं एस्केटिक होती थी, तो हर जगह अलग अलग होती। लेकिन ये तो हुई इमेज की बात, अब बात करते हैं इंडियन फोकलोर, मतलब हमारी लोक कहानियों की। लोक कहानियों में रविंद्रनाथ टैगोर का बढ़िया हाथ था। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में और नतीसा शास्त्री साउथ इंडिया में कहानियों के साथ इंडिया को पुराना पास्ट याद दिला रहे थे, पुराना स्वर्ण पास्ट याद दिला रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इतनी सारी बैलेट्स लिखी, नर्सरी राइम लिखी, मिथ्स लिखे, छोटी छोटी कहानियां लिखी कि जो जो उसको पढ़ता था उसे भारत याद आता था, ब्रिटिशर से पहले वाला। नतीसा शास्त्री ने तो इतनी चार भारी भारी किताबें लिखी भाई, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, अगेन नतीसा शास्त्री ने भी यही काम किया। अब आती है फ्लैग की बात। अब फ्लैग भी हम देखते हो ना कि मंदिर के ऊपर भी झंडा होता है, मॉस्क के ऊपर भी झंडा होता है, एक झंडे से आपको प्रतीक लग जाता है यहाँ पे कोई मंदिर होगा, यहाँ पे कोई मॉस्क होगा, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रैली हो रही होगी, राइट? तो फ्लैग भी बहुत अच्छे काम करते हैं बच्चा, हमने बहुत सारे फ्लैग्स बनाए। पहले एक वंदे मातरम का फ्लैग बना था जो स्वदेशी मूवमेंट में काफी काम आया था, जो फ्लैग मैं दिखा रही हूँ। इस फ्लैग में आप देखो आठ लोटसेस बने हुए हैं, जो आठ प्रोविंसेस हमारी प्रोविंसेस रिप्रेजेंट करते हैं। एक चंदा मामा है जो मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सूरज चाचू हैं जो हिंदुइज्म करते हैं रिप्रेजेंट, और ये ट्राइकलर फ्लैग जो है ये बंगाल मूवमेंट में काफी यूज हुआ था। फिर फ्लैग हमने थोड़ी बहुत तब्दीली भी की, एक गांधी जी ने फ्लैग बनाया, इसका नाम है स्वराज फ्लैग। इस फ्लैग में आप देखो रेड व्हाइट और ग्रीन कलर है, 1921 में बनाया था, इसमें बीच में चरखा है, चरखा से गांधी जी बोलना चाहते थे कि बाहर का सामान छोड़ो, अपना सामान बनाओ और अपना ही सामान यूज करो, राइट? और फिर फाइनली हमने रीइंटरप्रिटेशन किया हिस्ट्री का। तो पहली बात, इंडिया की हिस्ट्री लिखी ही ब्रिटिशर्स ने थी, क्योंकि वही पढ़े लिखे होते थे उस जमाने में। फिर हमने सोचा नहीं, अपनी कहानी हम अपनी जुबानी सुनाएंगे, इसलिए हमने अपनी हिस्ट्री का अपना पर्सपेक्टिव दिया, अपने पुराने जमाने की साइंस को, मैथ्स को, रिलीजन का अच्छा पार्ट लोगों के आगे लगाया, ताकि कभी भी ब्रिटिशर्स दुनिया में जाके ये ना बोल पाए कि ये तो गवार लोग थे जिन्हें हमने डेवलपमेंट सिखाया। तो हमने अपनी हिस्ट्री को अपना नजरिया दिया और दुनिया को बताया कि हम कितना अच्छा कर रहे थे और ब्रिटिश ने हमारे साथ कितना बुरा किया। तो दिस वाज द वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज इससे अच्छी रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगी ऑनेस्टली। एंड आई हैव ट्राई टू इनकल्केट ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इनकल्केट करने की कोशिश की है बच्चा। एक पॉइंट मुझे अभी भी याद आ रहा है कि छूट गया है, कि लाला लाजपत राय जी ने जो प्रोटेस्ट हुए थे साइमन कमीशन के बाद, उसमें अपनी जान गंवाई थी। तो आई हैव इनकल्केटेड ऑल द पॉइंट्स, इसके मुझे आंसर भी बता देना। होमवर्क क्वेश्चन भी है आपका, ये वाला भी है और ये वाला भी है। एंड डोंट फॉरगेट कि अनअकैडमी के ऐप पे आपको मिलते हैं बहुत सारे क्विज फीचर्स, तो इन क्विज फीचर्स को भी जरूर चेकआउट करना, यू विल लव देम। आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और अगर आपको लगता है कि मुझसे पढ़ना है, तो भाई बायो का कोर्स आ रहा है, सोशल साइंसेज का कोर्स आ रहा है, वन शॉट रिविजन, फुल रिविजन, फास्ट ट्रैक रिविजन, ऑल ऑफ दोज कोर्सेज आर आई एम लॉन्चिंग पर्सनली। सो डोंट फॉरगेट टू मीट मी ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज द कोड शुभ लाइफ टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड एंटर माई क्लासेस, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस जो भी आपको लिखना है आप सोच सकते हो इसके बारे में। आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट कि मेरी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं, जब मन में आए देख लो, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल भी एक स्पेशल क्लास आ रही है तो उसको भी देख लेना, ठीक है? एंड बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। बाय बाय, थैंक यू।